दशा नामंजूर 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 निजी कारी नामंजूर 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 जो हमसे टकराएगा फाश फाश हो जाएगा जो हमसे टकराएगा फाश फाश हो जाएगा। इत्यादे मुलाजमी जिंदाबाद इत्यादे मुलाजमी जिंदाबाद जॉइंट वेंचर नामंजूर 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 जॉइंट वेंचर नामंजूर इत्यादे मुलाजमी जिंदाबाद अनमंडली नामंजूर पहले आप लोगों का शुक्रिया है कि आपने यहाँ टाइम निकाला अपनी कीमती टाइम। मेरा नाम एजाज अहमद भट्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा। हमारी जेन्युइन डिमांड से प्राइवेटाइज जो हुकूमत प्राइवेटाइज कर रहे हैं हम इसके खिलाफ हैं, बिल्कुल पूरी तरह से खिलाफ है। चूँकि मुलाजिम को अपने हुकूक जा रहे हैं, हम उन हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। हमारी कुछ डिमांड्स जायज़ डिमांड्स है उनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनमें मुलाजिमों का भी फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा है। क्योंकि प्राइवेटाइज जो यहाँ हो जाएगा उससे मुलाजिम को नुकसान हो जाएगा, पूरी तरह से ये नुकसान में आ जाएंगे और हम इसके लिए लड़ रहे हैं। पूरे ऊपर कायद से ये प्रोग्राम आया है कि आज हड़ताल पे रहेंगे, 18 से रात को हम हड़ताल पे हैं और आइंदा जो भी लाहे मलाएगा ऊपर से हमारे कायद मुश्ताक अहमद नजार साहब के वसातत से उसका जो भी प्रोग्राम होगा हम उसकी तायद करेंगे और आइंदा भी इस लाहे पे अमल करेंगे। हमारी मांगे हमारी मांगे। सर आप किस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज हमारा जो प्रोटेस्ट है इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन हेडेड बाई मुश्ताक अहमद नजार प्रेस कॉलोनी में, वो इसलिए है कि गवर्नमेंट ने एक एडवेंचर प्लान बनाया है स्टेट एडवेंचर का, तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करने देंगे क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमारा है, इसको हमने खून से बनाया है, हम प्राइवेट हाथों में इसको नहीं दे देंगे। तमाम स्टे हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, मेहरबानी कर पे इस पे मसले पे हमें ज़्यादा तूल मत दीजिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे आए। इसलिए हम गुजारिश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि ये डिलीवरियों का जो इशू है 2019 में इनके से डीपीसी हुए तब से आज वो पेंडिंग है। मेहरबानी करके इनकी रेगुलराइजेशन का आर्डर वागजार की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया, और हमारी जो सैलरी है वो ग्रांटेड एड पे चल रही है, हमारी सैलरी को बाजार बजटरी सपोर्ट दी जाए और पीडीसी जो हमारी एक विंग है पीडीसी जो हमारी है वहाँ पर सालों साल से पेंडिंग इशू है वो भी हल करके मेहरबानी करके बात मैं अब्दुल मजीद हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिक सब डिवीजन कलूसा बांडीपुरा। तो जो हमारी जो यहाँ पे ये स्ट्राइक जो चल रही है ये होली एंड सोली इसलिए की जा रही है कि एक मुलाजिम के जो राइट्स हैं वो उसके राइट्स बराबर वही रहने चाहिए जो एक गवर्नमेंट मुलाजिम के राइट्स हैं। बाकी रही बात प्राइवेटाइजेशन की या अनबंडलिंग की, हमें उसमें कोई तो एतराज़ नहीं है, अनबंडलिंग हो जाए या प्राइवेटाइज हो जाए, हमारा ये एक मामला है मुलाजमीन का कि जो हमारे राइट्स हैं वो ये प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें इंजीनियर्स क्लर्कल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन जो ITI फेडरेशन है वो भी है, सारी यूनियन इकट्ठा होकर आज ये प्रोटेस्ट प्लॉम में हो रहा है। ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इस बिजली डिपार्टमेंट का निजीकरण किया जाए, लेकिन हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं पिछले 2 साल से कि इस डिपार्टमेंट का निजीकरण ना हो और इस डिपार्टमेंट को बचाया जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हमारे डिपार्टमेंट का जो अभी जो टाइम है इसमें निजीकरण हो रहा है। हमने 12 मीटिंग्स की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो हमारी इलेक्ट्रिक की एडमिनिस्ट्रेशन है या जो इलेक्ट्रिक से बाहर एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नर इंतजामिया है उनके साथ बहुत सी मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई मीटिंग अभी तक कामयाब नहीं हुई। अभी भी मीटिंग का दौर चल रहा है, लेकिन हम इतनी मांग कर रहे हैं जो हमारी सर्विस राइट्स हैं एम्प्लॉयज की वो सर्विस राइट्स महफूज रखे जाए। जो हमारे TDL PDL भाई हैं जो 20 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं उनको रेगुलर किया जाए, उनके लिए एक पॉलिसी मुरतब की जाए। ये हमारी 2-3 मांगे हैं जिसमें हमारा जो पे है वो पता नहीं किन फंड्स में से हमें दे रहे हैं। हमारी ये भी मांग है कि जो हमारा पे निकलता है उसे उसी तरह दिया जाए जिस तरह स्टेट में दिया जाता था, उसके लिए एक पॉलिसी मुरतब की जाए और वो पॉलिसी हमारे लिए मुफीद रहेगी।